जय हिंद दोस्तों दोस्तों दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली थर्टीन के ई का पार्ट फोर यदि आपने पार्ट वन टू एंड थ्री नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको मैं आज पार्ट फोर में क्वेश्चन नंबर थर्टीन से बताऊंगा ठीक है दोस्तों ट्वेल्व तो तक आपको बता दिया गया इसके पहले वाले पार्टों में तो आप वहां से जाकर देख लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन को मैं यहां से बताऊंगा आप लोग अपने बुक पर ध्यान दीजिए ठीक है यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या बोला है इसमें बोला है दो गोलों के आयतनों का अनुपात चौसठ अनुपात सत्ताईस है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है तो आपसे पूछा क्या दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तो पहले क्या दिया है बोला है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है ठीक है वो भी कितना चौसठ अनुपात सत्ताईस दिया है तो चलिए पहले जो दिया है उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं ठीक है तो यहां लिखिए अनुपात दिया है तो पहले लिखिए पहले गोले का अनुपात ठीक है पहले गोले का अनुपात बटे दूसरे गोले का अनुपात ठीक है यहां लिखिए दूसरे गोले का अनुपात इन दोनों का अनुपात दिया है चौसठ अनुपात सत्ताईस ठीक है पहले गोले का अनुपात चौसठ है और दूसरे गोले का अनुपात सत्ताइस है तो मैंने एक दूसरे को अनुपात में करके यानी बटे में करके इस तरफ के मानों को बटे में कर दिया आपस में बराबर कर दिया ठीक है अब आपको यह पता होगा कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है ठीक है यहां देखिए अनुपात है तो यहां आप क्या होगा दोस्तों तो चार बटे तीन पाई आर क्यूब ठीक है लेकिन ये पहला गोला है तो इसको हम क्या कर देंगे आर वन कर देंगे ठीक है आर वन का क्यूब और बटे में फिर वही लिखेंगे गोले के आयतन का फार्मूला चार बटे तीन पाई आर क्यूब बट ये दूसरा गोला है तो यहां पे हम क्या कर देंगे आर टू कर देंगे ठीक है और बराबर में कितना हो जाएगा चौसठ बटे सत्ताईस ठीक है बराबर में जो दिया गया उसको ऐसे ही आप लिख दो अब देखिए चार बटे तीन से चार बटे तीन कैंसिल पाई से पाई भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अब आप यहां पर ध्यान दीजिए का क्यूब है नीचे क्या है R2 का क्यूब है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों यहां पे होल क्यूब कर सकते हो क्योंकि दोनों पे क्यूब है तो आर वन अनुपात यानी बटे में आर टू अब पूरे का क्या कर दीजिए यहां पे होल क्यूब क्लियर हो गया दोस्तों अब आप चौसठ को क्या लिख सकते हो देखो ऐसा इसको इसका ऐसा घात बनाओ कि क्यूब में ही बने ऐसा गुड़न खंड करो क्यूब के रूप में ही आए क्योंकि इधर होल क्यूब दिख रहा है तो इधर भी होल क्यूब में आपको बनाना पड़ेगा आपको पता है कि चौंसठ है अगर हम 64 का क्यूब के रूप में बनाएंगे तो चार गुड़ते चार गुड़ते चार, गुड़ते, चार इसका गुणनखंड खंड आएगा चार चौके सोलह चौका चौसठ और सत्ताइस का इसी प्रकार आप निकालेंगे तीन गुड़ते तीन गुड़ते कितना आएगा तीन तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस यानी देखिए तीन तीन बार हो गया तो हम चौसठ को चार लिख सकते हैं सत्ताईस को क्या लिख सकते हैं तीन अब पूरे का लगा सकते हैं यहां से हम होल क्यूब इतना क्लियर हुआ अब मैं आपको बता दूं दोस्तों बराबर में जब एक मान दूसरे मान के बराबर होता है और वहां पे घात समान होता है दोनों में तो क्या करते हैं दोस्तों उस घात को हम कैंसिल कर देते हैं ठीक है आप काटना चाहो तो डायरेक्टली काट सकते हो नहीं भी काटोगे तो चल जाएगा क्योंकि आप यहां पे ऐसे सिर्फ तुलना करके मानों को लिख सकते हो तो बचेगा क्या मान सिर्फ आपका आर वन अपान आर टू बराबर फोर अपान थ्री ठीक है यहां पर आपका निकल गया त्रिज्या लेकिन आपसे पूछा है क्या इन गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है बोला पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यह आपसे पूछा गया है तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हम क्या निकाल लेते हैं यहां पे अनुपात ठीक है तो चलिए मैं यहां पर पहले लिख देता हूं दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे वो भी किसके गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है गोले से क्वेश्चन चल रहा है तो गोले का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा तो आपको पता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो क्या होता है पाईआर वन का स्क्वायर हो जाए क्योंकि पहले गोले का पृष्ठी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है बटे में किसका दूसरे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो यहां पे क्या कर दीजिए दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इससे तो मैंने क्या निकाला था त्रिज्या निकाला था लेकिन यहां से हम इसका क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे समझ में आया दोस्तों चले आप जो यहां पे लिखे हो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आप इस ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर में पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आप वैसे करके और यहां पे आप वैसे फार्मूला लगा सकते थे ठीक है लेकिन मैंने डायरेक्टली यहां पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्योंकि इसका अनुपात ही पूछा गया है तो ऊपर हो जाएगा पहले गोले का अनुपात बटे दूसरे गोले का अनुपात वो भी क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात ठीक है चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ चार पाई से चार पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचा है कितना आर वन का मान चार तो आर वन का मान चार रखकर इसका स्क्वायर कर दीजिए ठीक है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर टू आर टू का मान थ्री निकला है तो थ्री को रखकर यहां पे कर दीजिए इसका क्या स्क्वायर चलिए स्क्वायर मैंने यहां पे अब क्या किया है कर दिया है चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों अब ध्यान दीजिए दोनों का स्क्वायर है तो चार का स्क्वायर करेंगे तो चार चौके सोलह हो जाएगा तीन का स्क्वायर करेंगे तीन तरीका कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा लेकिन ये एक भिन्न के रूप में निकला है हमें चाहिए कैसा अनुपात के रूप में तो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सोलह अनुपात नौ तो पहले गोले का पृष्ठित क्षेत्रफल जो आया है वो नौ आया। अनुपात उसका जो आया सोलह आया है और दूसरे का जो अनुपात आया है वो क्या आया है नौ आया ठीक है तो सोलह अनुपात नौ ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर ठीक है लेकिन ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पहले आप इसके ऑप्शनों को मिला लीजिए सोलह अनुपात नौ किस में दिख रहा है तो पहला जो ऑप्शन है वो तीन अनुपात चार दिया ये तो होगा नहीं दूसरा ऑप्शन चार अनुपात तीन दिया ये भी तो होगा नहीं तीसरा दिया नौ अनुपात सोलह नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा सोलह अनुपात नौ आया है और चौथा जो है सोलह अनुपात नौ इसका चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है तो चौथे ऑप्शन को आप क्या कर दीजिए राइट कर दीजिए सोलह अनुपाते नौ क्लियर हो गया दोस्तों समझ में आ गया आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलिए दोस्तों अपने बुक पर ध्यान दीजिए मैं क्वेश्चन नंबर को पढ़ रहा हूँ आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा बोला है और क्या करना है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर बोला है यदि आधार की परिमाप तैतीस मीटर है तब शंकु की त्रिज्या होगी आप ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो होता है वो लेवल के हिसाब से दिया था ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि जो टाइम के अंदर हो जाए ठीक है अब तीन घंटे पंद्रह मिनट का आपका पेपर होगा उसी में आपको पूरा प्रश्न करके आना है ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देगा जो आधे घंटे तक सॉल्व करते ही रहे बच्चे ठीक है एकदम नॉर्मली पेपर आएगा बेझक जाइएगा एग्जाम देने ठीक है लेकिन जितने भी मैं तरीकों को पढ़ा रहा हूं रूल को पढ़ा रहा हूं आप बस उसको कंठस्थ कर लीजिए मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट 80 परसेंट के नीचे नहीं रहेगा अगर नॉर्मली बच्चों की बात कर रहा हूं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं मुझसे वो तो 90 के नीचे उम्मीद ही ना करें 90 के ऊपर ही रहेंगे उसका रिजल्ट ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पहले दिया क्या है दिया है शंकु के आधार का परिमाप 33 मीटर है ठीक है अब आपसे पूछ लिया उसका त्रिज्या तो पहले आप लिख लीजिए जो दिया है शंकु के आधार का परिमाप ठीक है शंकु के आधार का परिमाप शंकु के आधार का जो परिमाप है वह है तैतीस मीटर ठीक है शंकु के आधार का परिमाप 33 मीटर दिया है तो आपसे पूछ लिया है त्रिज्या तो आपको पता है कि आधार का जो परिमाप होता है शंकु का वो क्या है? होता है टू पाई आर होता है ठीक है क्या होता है टू पाई आर और बराबर में मान कितना दिया इसका 33 के बराबर दिया ठीक है आपसे पूछ लिया है त्रिज्या ठीक है यानी पाई को हम करेंगे तभी तो त्रिज्या निकलेगा तो आर को ऐसे रहने दीजिए आप 33 बट्टे क्या करेंगे टू पाई को हम कर देंगे यहां से पंचांतर ठीक है तो टू पाई को जब हम पंचांतर करेंगे तो वो कहां आ जाएगा यहां पे गुड़ा के रूप में था तो आ जाएगा भाग के रूप में ठीक है यानी बट्टे में आ जाएगा अब क्या करेंगे आर बराबर यहाँ देखिए 33 है तो 33 को आप वैसे ज्यो का त्यो लिखो ठीक है और टू है टू लिखो पाई का मान होता है 22 बटे सात तो 22 बटे यहाँ पे आप सात लिख दो और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो बटे का बटा होता है वो उसका गुड़ा सबसे ऊपर हो जाता है ठीक है तो यहाँ ऊपर सबसे कितना है 33 है तो तैंतीस लिखे इंटू जो सेवन है सबसे ऊपर चला जाएगा ठीक है और पान में क्या है टू ट्वेंटी टू यहां पे आप वैसे ही लिख दो जय का त्यों जो मान है अब क्या करोगे देखो इसमें कुछ मान हैं जो कटेंगे ठीके? अगर हम इसको ग्यारह से काटेंगे ग्यारह तीया तैसो ग्यारह से काटेंगे दूना ठीक है अब कितना आ रहा है चलिए देख लेते हैं तो आर बराबर आपका आ जाएगा सात इक्कीस ऊपर इक्कीस हो जाएगा और नीचे दो दूनी चार तो यहाँ पे इक्कीस बट्टा चार ये क्या है त्रिज्या तो इतना मीटर आपका आ जाएगा ठीक है अब ध्यान दीजिए दोस्तों ये तो आपका रहा आंसर बट ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलिए हम ऑप्शन को भी मैच करा लेते हैं यहाँ पे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो पहला ऑप्शन है वो इक्कीस बटे दो तो ये तो पहला होगा नहीं दूसरा दिया इक्कीस बटे चार मीटर तो दूसरा ही मुझे मिल गया मैं दूसरे को ही यहां पे क्या कर दूंगा राइट कर दूंगा क्लियर हो गया दोस्तों तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को देख लेते हैं अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में क्या बोला है आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर को पढ़ रहा हूं देखता हूं पहले इसमें क्या बोला है तो इसमें आपसे बोला है अर्ध गोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि एक सेंटीमीटर है तब ब्यास होगा अब आपसे इसमें क्या पूछ लिया है ब्यास पूछ लिया है तो पहले क्या करिए उस कोर की परिधि लिख लीजिए जो परिधि दी गई है और उससे आप निकाल लीजिएगा त्रिज्या जैसे भी क्वेश्चन नंबर को आप किए हो सेम वैसे ही करना होगा जो आर आएगा उसी में दो से गुड़ा कर देंगे तो आपको ब्यास मिल जाएगा ठीक है चले नहीं समझे तो आप समझ लीजिए इसको भी आप देखिए दिया है अर्ध गोलाकार ठीक है लिख दीजिए पहले अर्ध गो यहां पर कार ठीक है अर्ध गोलाकार कटोरी या कटोरे अर्थ गोलाकार कटोरी की एक कोर का परिमाप दिया है ना तो लिख दीजिए एक कोर की या का परिमाप तो ये आपका यहां पे दिया गया तो एक कोर का जो परिमाप दिया एक सौ बत्तीस सेंटीमीटर दिया गया ठीक है थीके? तो यहां पे हम लिख देंगे एक सौ बत्तीस सेंटीमीटर ठीक है क्या लिख देंगे दोस्तों एक सौ बत्तीस सेंटीमीटर मैंने यहां पे लिख दिया अब ध्यान दीजिए दोस्तों अर्ध गोलाकार कटोरी का की कोर की एक परिमाप एक सौ बत्तीस सेंटीमीटर दिया है आपसे पूछा क्या है ब्यास तो ब्यास निकालने के लिए पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा तो चलिए त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले आप ध्यान दीजिए गोलाकार कटोरी की एक कोर की जो परिमाप होगी वो क्या होगी टू पाई आर होगा ठीक है क्योंकि गोला परिधि के रूप में देखा जाएगा तो टू पाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा क्योंकि एक गोलाकार है अब बराबर में एक सौ बत्तीस दिया तो एक सौ बत्तीस ऐसे ही लिखे जैसे पे आप है फिर आपको निकालना है पहले त्रिज्या तो आर को आप जय का लिख दो ये टू पाई गुड़ा के रूप में इसको भाग के रूप में चेंज कर दो यानी भेज दो पंचांतर करोगे तो ये कहाँ हो जाएगा बटे में अब आप यहां पे पाई का रखिए मान जैसे इसके पहले आप क्वेश्चन किए थे ठीक है तो एक सौ बत्तीस बटे टू इन टू पाई का मान कितना हो जाएगा बाईस बटे अब बट्टे का बट्टा मैंने आपको क्या बताया कि वो सबसे ऊपर चला जाएगा ठीक है अभी इसके पहले ऐसा सेम टू सेम बताया गया ठीक है और नीचे क्या हो जाएगा दो गुड़ते बाईस अब इसमें जो कटे पिटेगा उसको आप क्या करिए काट दीजिए काटना चाहेंगे तो आप कट जाएगा देखिए दो से काटेंगे इसको अगर हम तो दो छह दो बारह ठीक है वो आपका कितना निकल गया दोस्तों इक्कीस सेंटीमीटर बट आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में व्यास पूछा गया था न कि त्रिज्या तो आपको पता है कि जो व्यास होता है व्यास किसके बराबर होता है टू आर के बराबर होता है त्रिज्या का दो गुना होता है आपको पता है पहले से ही तो यहां पे क्या करेंगे त्रिज्या का मान है तो इक्कीस रख दीजिए अब इक्कीस का दो में कर दीजिए आप गुणा तो इक्कीस गुना कितना हो जाएगा बयालीस वो भी क्या सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगी ये तो रहा आपका आप आंसर ठीक है लेकिन रहा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलिए इसके ऑप्शन को भी हम मैच करा लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के तो पहला ऑप्शन जो है इक्कीस सेंटीमीटर ये तो होगा नहीं दूसरा है दस दशमलव पांच सेंटीमीटर ये भी होगा नहीं तीसरा ऑप्शन आपका दिख रहा है बयालीस सेंटीमीटर तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे राइट हो जाएगा ठीक है तो तीसरे ऑप्शन को आप भी कर दीजिए राइट क्लियर हो गया दोस्तों तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या बोला है ठीक है दोस्तों आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बोला है एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर और ऊंचाई नौ मीटर है शंकु का आयतन होगा ठीक है तो परिधि दिया है तो पहले परिधि से आप त्रिज्या प्राप्त करें ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को लिख लीजिए ठीक है तब उससे आपका क्या हो जाएगा शंकु का आयतन निकल जाएगा ठीक है शंकु का आयतन कैसे निकलेगा क्योंकि शंकु के, के आयतन का फार्मूला होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच अब आर को निकाल लोगे एच तो पहले से दिया है फिर मानो को वहां पर रख दोगे तो आपका शंकु का आयतन मिल जाएगा अभी तक नहीं समझे हो तो बने रहिए मैं बताता हूं कैसे आपको करना है पहले आपको दिया है शंकु के आधार की परिधि तो यहां पर लिख दीजिए शंकु के आधार की परिधि ठीक है तो लिखिए यहां पे शंकु के आधार की परिधि परिधि जो दी है वो कितना दी है दोस्तों चौवालीस मीटर तो यहां पे लिख दीजिए चौवालीस मीटर ठीक है क्लियर हो गया शंकु के आधार की जो परिधि है है वो कितनी चौवालिस मीटर बट आपको पता है कि जो परिधि का फार्मूला होता है वो क्या होता है टू पाई आर ठीक है और टू पाई आर बराबर आपका यहां पे कितना दिया है चौवालीस मीटर बट आपको यहां से चाहिए क्या आर चाहिए जब आर आपको मिल जाएगा ऊंचाई दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे शंकु का आयतन आसानी से निकाल लेंगे अभी तक आप नहीं समझे हो तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में आप समझ जाएंगे कैसे करना है बराबर बराबर क्या करेंगे आर बराबर पहले निकालेंगे क्योंकि हमें त्रिज्या जरूरी है बिना त्रिज्या के हम आयतन निकाल ही नहीं पाएंगे तो टू पाई को आप कर दीजिए पंचांतर तो ऊपर कितना हो जाएगा चौवालीस और नीचे टू पाई जब पंचांतर करेंगे तो कहां आ जाएगा बटे में ठीक है अब ऊपर चौवालीस आपका ऐसे ही रहेगा जैसे पे है ठीक है और टू है टू रखिए पाई का मान रखिए बाईस बटे सात और मैंने आपको क्या बताया जो बटे का बट्टा होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है ठीक है तो ऊपर चौवालीस है चौवालीस ऐसे ही रहेगा लेकिन बटे का बट्टा कौन है सात है तो सात ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा दो गुड़ते बाईस ठीक है क्लियर हो गया अब इसमें जो कटे पीटेगा का उसको काट अगर हम दो से काटेंगे इसको तो दो से कट जाएगा देखिए दो दूनी चार दो दूनी चार ऊपर बचा बाईस नीचे भी बचा बाईस तो बाईस से बाइस भी कैंसिल हो जाएगा आर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा सात वो भी क्वेश्चन मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर दीजिए ठीक है तो त्रिज्या आपका मिल गया सात मीटर आपको यह भी ध्यान देना ऊंचाई भी दी गई है तो ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है नौ मीटर तो यहां पर कर दीजिए आप कितना नौ मीटर अब आपसे पूछा है शंकु का आयतन तो चले अब यहां से हम निकाल लेते हैं क्या दोस्तों शंकु का आयतन ठीक है लिखिए शंकु का आयतन तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों ध्यान दीजिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच ठीक है क्या होता है शंकु के आयतन का फार्मूला एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच अब क्या करोगे इसमें मानों को आप रखते चलिए ठीक है एक बटे है तो एक बटे को आप वैसे रखो जैसे पे है आप पाई का भी मान यहां पर रख दो क्या होता है पाई का मान बाईस बटे सात तो बाईस बटे सात कर दो आर स्क्वायर तो आर का मान कितना है पे सात तो कर दीजिए सात गुड़ते सात इन टू एच एच का मान कितना है नौ तो यहां पे लिख दीजिए नौ ठीक है अब जो कटे पीटेगा उसको यहां से आप काट पीट के लंबा कर दीजिए ठीक है चलिए सात से सात कट जाएगा तीन से काटेंगे तीन त्रिका का नौ हो जाएगा ठीक है अब जो बचा है उसका कर लीजिए आप गुड़ा तो देखिए बचा क्या है बाईस बचा है सात बचा है और तीन बचा है तो वाइस का लिख लिख दो दो कितना हो किस हो जाएगा अब इसका हम कर लेते हैं यहां पे गुड़ा ठीक है तो चलिए गुड़ा करेंगे तो दूना कितना होगा दोस्तों बयालीस हासिल चार इक्कीस दूना बयालीस चार कितना हो जाएगा छियालीस तो चार सौ बासठ वो भी क्या आयतन है और क्वेश्चन मीटर में तो मीटर लिखेंगे लेकिन क्या लगा देंगे हम घन लगा देंगे ठीक है तो ये तो रहा है आपका ऑप्शन लेकिन आपको कराना है क्या तो रहा आपका आंसर दोस्तों लेकिन मैच कराना है आपको ऑप्शन आप तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का हम मैच करा लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मुझे दिख रहा है यहां पे चार तो पहले को ही आप कर दीजिए क्या दोस्तों राइट क्लियर हो गया तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या बोला है आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बोला है किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तब आयतन होगा आपसे क्या आपसे क्या पूछा दोस्तों आयतन पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर गोले का ठीक है तो पहले जो दिया है उससे आप निकाल लीजिए त्रिज्या और त्रिज्या जब निकल जाएगा तब गोले का आयतन आसानी से निकाल लेंगे ठीक है वो कैसे देखिए अगर आपको फार्मूला याद है तो दोस्तों आप क्वेश्चन आसानी से अपने से ही कर लोगे यदि आपको फार्मूला नहीं याद रहता देखिए आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा ठीक है तो फार्मूले को आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए मैंने फार्मूले का एक वीडियो अलग से बनाया है आप चैनल के प्लेट चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन करिए और उसमें जाइए आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं तो लिख लेते हैं दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका दिया है तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वह दिया 616 वर्ग सेंटीमीटर तो चलिए मैंने यहां पे लिख दिया 616 वर्ग सेंटीमीटर अब आपको पता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है और ये किसके बराबर दिया है छह सौ सोलह के बराबर दिया ठीक है हमें यहां से प्राप्त करना है त्रिज्या जब त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा तो गोले का आयतन आसानी से निकल जाएगा अब त्रिज्या निकालने के लिए क्या करोगे आर को आप ज्यो का त्यों लिख दो आर स्क्वायर को अब बाकी सभी मानों को आप कर दो क्या पंचांतर तो पंचांतर करेंगे फोर फाइव तो फोर फाइव कहाँ आ जाएगा वटे में अब चलिए ऐसे लिखिए 616 है 616 सौ लिखिए चार है चार लिखिए पाई का मान होता है 22 बटे सात तो यहाँ पे 22 बटे क्या लिख देंगे सात अब बटे का बटा कहां चला जाएगा सबसे ऊपर तो ऊपर हो जाएगा 616 और सात ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा चार गुड़ते बाईस ठीक है तो चार गुड़ते बाईस को आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लियर हो गया इतना चलिए अब जो कटे पिटेगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे काट देंगे ठीक है अगर हम इसको काटें अगर चार से इसको काटें देखिए चार से कटेगा चार एक का चार दो बचेगा इक्कीस हो जाएगा जाए चार पंचे बीस चार चौके सोलह चार से कट जाएगा ठीक है चार से अगर हम इसको काटेंगे चार एक का चार दो बचा इक्कीस हो गया चार पंचे बीस कितना बचा एक तो बचा सोलह हो गया चार चौके सोलह ठीक है कट गया अब अगर हम इसको काटेंगे दो से या दो एक का दो, दो एक का दो अब दो से इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा दो सत्या चौदह दो सत्यायर ठीक है सते कितना हो जाएगा? उन्चास या तो सात का स्क्वायर 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 आपका यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आर बराबर आपका मिल जाएगा यहां पे सात वो भी किस में क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर ठीक है क्लियर हो गया आर बराबर आपको कितना मिल गया सात सेंटीमीटर अब आपको निकालना है गोले का आयतन तो चलिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं यहां से गोले का आयतन तो लिखिए दोस्तों गोले का आयतन ठीक है तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपके गोले का आयतन का फार्मूला तो चार बटे तीन पाई आर क्यूब ठीक है तो यहां पर लिख दीजिए चार बटे तीन पाई आर क्यूब अब आप क्या करिए मानों को यहां पे रखिए ठीक है चार बट्टे तीन है ठीक है तो चार बट्टे तीन को लिखिए फिर क्या लिखेंगे पाई तो पाई का मान होता है बाईस बटे सात तो यहां पे कर दीजिए बाईस बट्टे सात इंटू आर क्यूब तो आर क्यूब का आर का मान कितना निकला है सात तो इसका हम कर देंगे अब यहां पे क्यूब यानी क्यूब का मतलब इसको हम तीन बार यहां पे लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए अब क्या करोगे ध्यान दो सात से सात आपका यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है बाकी सभी मानों को आप कर लीजिए यहाँ पे गुड़ा तो गुड़ा करेंगे जब यहाँ पे तो 22 और चौका कितना हो जाएगा अट्ठासी तो कर दीजिए यहाँ पे अट्ठासी और यहाँ पे सात सात बचाए सात कितना हो जाएगा उनचास तो यहाँ पे कर दीजिए उनचास और नीचे तीन बचा है तो तीन भी यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए ठीक है अभी अट्ठासी और उनचास का आप कर लीजिए गुड़ा गुड़ा करने के बाद आप तीन से क्या कर दीजिए दोस्तों भाग कर दीजिए ठीक है तो चलिए मैं दोस्तों डायरेक्टली इसका गुड़ा करके यहाँ पे लिख देता हूँ तो दोस्तों इसका गुड़ा करने पे आया आपका तिरालीस बारह ठीक है और नीचे कितना है तीन दोस्तों मैं बगल में देखिए वीडियो मैं अगर गुड़ा करूंगा तो वीडियो काफी लंबा होता चला जाता है इसलिए मैंने कैलकुलेटर बगल में रखा रखा है यहाँ पे मैंने गुड़ा कर दिया गुड़ा करके मैं वीडियो को जहां पे गुड़ा करता हूं वहां पे कट कर देता हूँ और जो आता है वहां पे लिख देता हूँ अब आपको यहाँ पे करना है तीन से भाग तो चलिए तीन से आप क्या करिए भाग करिए जो भी मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चलिए तीन से काटते हैं इसको तीन से काटे तीन एक का तीन यहां से एक बचा तेरह हो गया तीन चौके बारह हो गया एक बचा ग्यारह हो गया तीन तरीका नौ हो गया दो बचा बाईस हो गया तीन सत्याईस हो गया ठीक है अब कितना बचा यहाँ पे एक बचा तो दसमलव लगेगा फिर जीरो दस हो जाएगा तीन तरीका नौ फिर एक बचेगा दस जीरो तीन त्रिका नौ यानी कहने का मतलब से तीन 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 बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो दसमलव के दो या तीन अंक तक आप ले लीजिए लगभग में तो मैं दो तक स्टॉप करता हूं इतना सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल गया दोस्तों गोले का आयतन ठीक है अब रही बात ये आंसर तो आपका हो गया बट ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलिए हम इसके ऑप्शन को भी मैच करा लेते हैं तो एक चौदह सैंतीस तीन, 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 एक, एक पढ़ा जाता है दोस्तों उसको गुड़ा मतलब सैकड़ा सिर्फ एक एक अंक पढ़िएगा इकाई में दहाई या सैकड़ा में मत पढ़ने का प्रयास करिएगा ठीक है थीके? नहीं तो रॉन्ग माना जाता है तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा राइट है तो पहला तो है नहीं पहला दिया सत्रह छियानवे मेरा सत्रह छियानवे तो आया नहीं दसमलव के पहले दूसरे में सत्रह चौदह अड़तीस तो चौदह अड़तीस तो मेरा आया नहीं है मेरा सैंतीस आया है और तीसरा जो है चौदह सैतालीस है दसमलव पहले वो भी तो मेरा होगा नहीं और चौथा चौदह सैतीस दशमलव तीन तीन ये मेरा तीसरा ऑप्शन मिल रहा है और मैंने यहां पे निकाला है आयतन आयतन तो इसको घन इसको सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर कर दीजिए और चौथे ऑप्शन को इसमें क्या कर दीजिए आप राइट कर दीजिए ठीक है इसका चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और मैंने यहाँ पे घन नहीं लगाया था इसको आप घन लगा दीजिए क्योंकि आपने निकाला क्या है आयतन निकाला है ठीक है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन अब देखिए दोस्तों 18. दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलिए अपने एक बुक पर ध्यान दीजिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है ठीक है मेरे साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों आपको पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों टेंशन मत लीजिए मैं पूरा कोर्स कराकर ही छोड़ूंगा ठीक है अभी आपका एग्जाम होने वाला है नहीं आपका एग्जाम जो होगा वो चुनाव के बाद होगा अभी निर्णय आया है आपने पेपर पढ़ा होगा तो उसमें दिया है कि चुनाव के बाद ही आपका एग्जाम कराया जाएगा और फिलहाल मैं आपका एक वीडियो इस पर बना दूंगा एग्जाम के बारे में जैसे एग्जाम का डेट क्लियर होता है मैं सब आपका एक टाइम टेबल दे दूंगा कैसे पढ़ना है कैसे तैयारी करना है सब कुछ दे दूंगा दोस्तों

पार्श्वतल का क्षेत्रफल होगा ठीक है यानी पार्श्वतल बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है क्लियर रखिएगा अब चलिए ध्यान दीजिए पहले जो दिया है आप उसको क्या करिए लिख लीजिए शंकु के छिन्नक के सिरों का ब्यास आपको दिया है पहला ब्यास जो होगा वो D1 होगा और दूसरा ब्यास जो होगा वो क्या होगा d2 होगा ठीक है d1 और d2 तो जो d1 दिया है वह कितना दिया है 32 सेंटी मीटर ठीक है क्या कर देंगे आप यहां पे 32 सेंटी मीटर और जो d2 दिया है वो दिया है 20 सेंटी मीटर ये दो आपके ब्यास दिए गए हैं बट हमें इस ब्यास से प्राप्त करनी क्या है त्रिज्या तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे डी वन होता है तो यहां से पहले आर वन निकालेंगे आर वन बराबर क्या होगा डी वन बाई टू तो डी वन का मान यहां पे दिया है बत्तीस बत्तीस का कर दीजिए आधा दो से काटेंगे सोलह दूना क्या हो जाएगा बत्तीस तो सोलह सेंटीमीटर यहां पे निकल गया आर वन ठीक है अब आर टू निकाल लीजिए तो आर टू निकालेंगे बीस के बटे में क्या करेंगे दो दो से काटेंगे दो दहाम में कितना बीस तो दस सेंटीमीटर यहां पे मिल गया आपको आर टू ठीक है आर वन और आर टू आपको मिल गया है अब आपको तिरिया ऊंचाई भी दिया है तिरिया ऊंचाई क्या होता है एल एल बराबर दिया है दस सेंटीमीटर ठीक है तो यहां पर लिख दीजिए दस सेंटीमीटर ठीक है तिरिया ऊंचाई को हम एल से व्यक्त करते हैं एल आपका यहां पे दिया था मैंने एल भी लिख दिया अब आपसे पूछा है शंखु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो चलिए शंख के पार्श्व तल का हम क्षेत्रफल यहां से निकाले थे ठीक है तो लिखिए शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो शंकु के पार्श तल का क्षेत्रफल बराबर वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा दोस्तों शंकु के तो क्या हो जाएगा पाई वो भी छिन्नक बोला छिन्नक का लगेगा आर वन प्लस आर टू इन टू क्या होता है ये आपका फार्मूला होता है शंकु के पार्श तल के क्षेत्रफल का ठीक है अब करिए क्या यहाँ पे आप मानों को रखिए जो भी मान यहाँ पे दिए गए हैं ठीक है तो पाई को सेम टू सेम रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में पाई हमें दिख रहा है तो पाई को हम वैसे ही रहने देंगे ठीक है और ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू तो आर वन का मान सोलह आर टू का मान दस ठीक है तो सोलह हम प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे दस और इन टू एल है एल का मान दिया है टेन टू तो टेन यहाँ पे हम कर देंगे तो सोलह दस छब्बीस छब्बीस दाम में कितना हो जाएगा दो सौ साठ बगल में पाई है तो पाई को आप वैसे ही लिख दीजिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वर्ग में होता है ठीक है तो 260 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा बट ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलिए मैं ऑब्जेक्ट को भी इसमें मिला लेता हूं इसके ऑब्जेक्टिव इस विकल्पों को मिला लेता हूँ ठीक है तो मुझे विकल्प नंबर सेकंड दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सेकेंड को क्या कर दूंगा राइट कर दूंगा क्लियर हो गया दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत